हे गाइस, वेलकम बैक टू फैशन केयर। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फैशन केयर में। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरी वीडियो जो है मेकअप से रिलेटेड होती हैं, हॉल वीडियो होती हैं, तो आज भी मैं मेकअप से रिलेटेड एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप बिगनर हैं या फिर आप मेकअप सीखना चाहते हैं, मेकअप सीख रहे हैं, तो आपको मेकअप के लिए जैसे आई मेकअप जैसे मैंने कर रखा है, ऐसा मेकअप करने के लिए आपको कौन कौन से ब्रशेस चाहिए होते हैं। क्योंकि आई मेकअप ऐसा होता है कि आप फिंगर से तो ऐसे कैजुअली कुछ भी लगा सकते हैं, बट अगर आपको प्रॉपर अच्छा आई मेकअप चाहिए तो आपको आई मेकअप के लिए ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन कौन से ब्रशेस होते हैं जिनको आप ले लेंगे तो आप भी अच्छा आई मेकअप कर सकते हैं, तो इनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो रेड बटन को प्रेस कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन को भी हिट करिएगा ताकि मेरे ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, ये रहे कुछ ब्रशेस जो मैं आपको बता रही हूँ कि आई मेकअप में अगर आपके पास ये चार पांच ब्रशेस हैं तो आप जो है आराम से आई मेकअप कर पाएंगे और इससे ज़्यादा ब्रशेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पड़ती है अगर आपको मेकअप में और भी एडवांस सीखना है, करना है, तो फिर आप इससे ज़्यादा ब्रशेस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एज अ बिगिनर जो है मेकअप आपने अभी सीखना स्टार्ट किया है या फिर आप पर्सनल यूज़ के लिए जो है मेकअप करते हैं कि आपका एक अच्छा आई मेकअप बन जाए, तो ये ब्रशेज आप ले लीजिएगा जो मैं बता रही हूँ, तो उतने में आपके सारे आई मेकअप के लुक जो है बन जाएंगे। ये लुक जो मैंने बना रखा है वो भी सिर्फ इन्हीं ब्रशेज के थ्रू बनाया है, तो होपफुली आपको भी जो है पता चल जाएगा और अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर हेल्पफुल वीडियो रहती है तो अच्छी बात है। तो ये सबसे पहला जो ब्रश मैं आपको बता रही हूँ, ये ब्रश है मेरा प्रो आर्ट का ब्रश है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, आप चाहें तो आप ब्लेंडिंग ब्रश बोल के, मैं इसका जिस तरह से शेप साइज़ दिखा रही हूँ, आप लोकल में भी ले सकते हैं या फिर सस्ते ब्रांड में से भी ले सकते हैं। बट ये ब्रशेज जो होते हैं हाई क्वालिटी के होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, इनके फाइबर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इस वजह से मैंने ले रखा है। क्योंकि मैं मेकअप वीडियोज़ भी शूट करती हूँ तो मुझे ये ब्रशेज बहुत काम आते हैं। तो पहला ब्रश है ये प्रो आर्ट का ब्लेंडिंग ब्रश। देखिए, स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है, प्रो आर्ट का है। इसका नंबर है PE23 नंबर, इसका पास से देख लीजिएगा। सारे ब्रशेज जो है नंबर से मिलते हैं, आप सिर्फ ये नंबर जो है जाके सर्च कीजिए या ऑनलाइन देखिए, तो आपको इस नंबर से सेम टू सेम ब्रश मिलेगा। ये ब्रश आप नायका से भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन और इन सारी साइट्स पे अवेलेबल है। अगर आपको लेना होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, डिटेल चेक कर सकते हैं, प्राइस चेक कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपके ब्रशेस के। तो ये ब्लेंडिंग ब्रश जो है इसका काम क्या होता है, ब्लेंडिंग ब्रश जो होते हैं इसके हम पहले आई का मेकअप करने से पहले आईज की कंटूरिंग करते हैं। कंटूरिंग क्या होता है, एक शेप देते हैं आईज का, ब्राउन फैमिली का कोई भी कलर लेके, ब्राउन कलर जो होता है, ब्राउन, ग्रीन, येल्लो, कुछ लाइट सा, आप जो चाहें वो कलर पहले स्टार्ट करते हैं कंटूरिंग से। तो कंटूरिंग के लिए ये ब्रश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये फ्लफी जो है ब्लेंडिंग ब्रश भी इसे कहते हैं। इसको लिया, इसमें कलर लेते हैं, फिर इसके बाद आईज में यहाँ पे ब्लेंडिंग करके आईज को शेप देते हैं। तो ये हो गया इस ब्रश का काम। इसके बाद नेक्स्ट ब्रश कौन सा होता है, दूसरा ब्रश मैं आपको बता रही हूँ, ये है कंसीलर ब्रश। कंसीलर ब्रश किस काम में आता है, तो जब भी हम आईज का मेकअप करते हैं तो आईज पे हम एक पेस्ट लगाते हैं जो कि कंसीलर का होता है। अगर हमारे पास कंसीलर या फाउंडेशन भी लगाते हैं या फिर आई बेस भी आता है उसको भी लगाते हैं, तो अगर आप इस ब्रश के थ्रू लगाएंगे तो इसको जो है ब्लेंड करने में बहुत ही आसानी होती है। और आसानी, ये आई की जगह बहुत छोटी होती है, इसलिए अगर आप ब्रश के इस्तेमाल से उसको ब्लेंडिंग करके करेंगे तो अच्छा होगा। तो ये है कंसीलर ब्रश, ये है मेरा आपके पैक का, इसका नंबर है 370, नंबर भी मैं दिखा दे रही हूँ। ये कंसीलर ब्रश है, आपके फेस के मेकअप में भी काम आता है, आपको आई मेकअप में भी काम आएगा। और इसका यूज़ है कि आपका जो बेस है उसको सेट करने के लिए होता है, ये जो आपके आईब्रोज के एजेस को शार्प करना हो या फिर पूरा आई बेस लगाना हो, उन सब में ये आपको काम आने वाला है। और जो तीसरा ब्रश मैं आपको दिखा रही हूँ वो है फ्लैट ब्रश।
ये मेरा लोकल है, आप भी लोकल ले सकते हैं। ऐसा कोई फ्लैट ब्रश का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं होता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, तो फ्लैट ब्रश मेरा लोकल है, आप भी कोई सा भी ले सकते हैं। फ्लैट ब्रश का काम क्या होता है, इससे हम आइस पे अपना कलर अप्लाई करते हैं। ये जो कलर, जैसे मैंने ब्लू कलर लगा रखा है, तो इसको पहले निकाल के इस पर लगाएंगे, उसके बाद देन आफ्टर ब्लेंडिंग करते हैं। तो आई कलर को अप्लाई करने के लिए, आंखों पर डिपॉजिट करने के लिए फ्लैट ब्रश काम में आता है। अब जो चौथा ब्रश मैं आपको बता रही हूँ, ये है आईलाइनर ब्रश। आईलाइनर ब्रश जो है, अगर आप जेल आईलाइनर यूज़ करते हैं, जेल आईलाइनर के बारे में तो पता ही होगा आपको, बहुत ही लॉन्ग स्टे करता है। और जो है इसकी, इससे अगर आपने बनाया है, आईलाइनर लगाया है, तो ये देखने में भी बहुत प्यारा आता है। तो ज़्यादातर पार्लर्स में या फिर आप जो है मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं, वो जेल आईलाइनर का ही यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये ब्रश बहुत ही काम है। ये भी मेरा पैक का है, इसका नंबर है K13, आईलाइनर ब्रश है, K13 नंबर है, ये आप देख लीजिएगा। और ऐसे ही आईलाइनर ब्रश और भी सारी कंपनीज के आते हैं, उसको भी आप चेक। ये ब्रश हो गया आईलाइनर के लिए। और उसके बाद में ये एक होता है पेंसिल ब्रश। पेंसिल ब्रश भी आई मेकअप में काम आता है। आई मेक ब्रश, जैसे मैंने बताया, ये हाईलाइट करना है, यहाँ पे हाईलाइटर लगाना है, या फिर आईज में यहाँ पे स्मज करना है, या फिर यहाँ पे शेप की लाइन बनानी है, इन सब का काम करने के लिए आपको पेंसिल ब्रश यूज़ में आता है। पेंसिल ब्रश में जो है, मैं आपका नंबर, ये भी मेरा पैक का है, और मेरे सारे ब्रशेस जो है ऑलमोस्ट पैक के ही हैं। क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए मैंने ले रखा। पैक का K10 नंबर है, और जो है ये पेंसिल ब्रश है, स्मजिंग वगैरह के काम आता है, हाईलाइट करने के काम आता है, इसके कॉर्नर वगैरह के। ये ब्रश अगर आप ले लेते हैं तो आपके मेकअप में आसानी होगी। और फिर जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इसे बोलते हैं, देखिए 2-in-1 ब्रश, ये भी पैक का है मेरा, इसका K14 नंबर है। इस साइड में जो ब्रश की तरह आपको दिख रहा है, बॉटल ब्रश की तरह, इसको कहते हैं स्पूली। स्पूली होता है आईब्रोज को जो है ये कॉम्ब करने के लिए। जब भी हम आईब्रोज की फिलिंग करते हैं, उसके बाद में हम इसे कॉम्ब करके शेप देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी निकल जाता है और आईब्रोज देखने में भी बहुत अच्छी लगने लगती हैं। और इसके दूसरे साइड में जो है ये एंगुलर ब्रश है। एंगुलर ब्रश किस काम में आता है, एंगुलर ब्रश आप जो है आप लेंगे तो ये आईज में जो होता है, आई मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आईब्रो की फीलिंग। आप आई मेकअप करिए, आईब्रोज को फील ना करिए, मतलब इसमें जो आई शेडो से फील करिए, चाहे आईब्रो फिलर्स आते हैं उससे फील करिए, तो आपका वो मेकअप लुक नहीं आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही लाइट कलर का दिखने लगता है। फेस पूरा ब्राइट हो जाता है और आईब्रोज आपके जो है बहुत ही लाइट हो जाते हैं। इसलिए जब भी मेकअप करिए, आप इसे आईब्रोज को फील जरूर करिए, इसके लिए ये ब्रश काम में आता है। तो ये 2-in-1 ब्रश है, पैक का ये भी है मेरा, ये आपके पास होगा तो आप अपनी आईब्रोज को फील कर पाएंगे। और ये रही जो है मेकअप ब्रशेस की बातें, जो है मेकअप ब्रश, ये 4-5 मेकअप ब्रश है, 6 मेकअप ब्रशेस एक्चुअली मैंने आपको बता रखे हैं। ये अगर आपके पास हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा आई मेकअप में जो है, आई मेकअप ही नहीं, पूरे फेस का जो मेकअप होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आई का मेकअप। अगर आपने आई का मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल सा किया है, तो आपके फेस का मेकअप में केवल बेस सेट करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मेकअप की सारी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आपको पैक के ब्रशेस की भी डिटेल चाहिए तो उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और इन सारी वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो आई होप आपको जो भी डाउट्स होंगे आपके मेकअप को लेके, मेकअप ब्रशेस को लेके, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने कुछ लोकल ब्रशेस भी अपने चैनल पे शेयर किए हैं, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अमेजोन जैसी साइट, फ्लिपकार्ट जैसी साइट, इन सब पर मिल जाता है, 200, 400, 600 इस रेंज में भी ब्रशेज आते हैं। तो बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर आप आसानी से मेकअप के लिए अपने ब्रशेज को परचेज कर पाएंगे। आप ये 4-5 तरह के ब्रशेज रख लीजिए, उसके बाद आप कोई सा भी मेकअप लुक होगा आई का आप कर पाएंगे, और होपफुली बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा वो लुक जो है। ये लुक मैंने बना रखा है, अगर ये लुक आपको पसंद आता है तो इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जाइएगा ज़रूर देखिएगा। और कोई भी क्वेरी हो एज अ बिगिनर, एज अ मेकअप लवर, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। और साथ में गाइज, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करिएगा। चाहे वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी स्मार्ट, बी सेफ एंड लव यू ऑल।